राजस्थान के नंबर वन है पॉपुलर न्यूज पर देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। उपनगरपुर में कम वोल्टेज और अघोषित विद्युत कटौती से परेशान पुरवासियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। उपनगरपुर कहने को तो शहर का प्रमुख अंग है, नगर परिषद के चार वार्ड हैं, परंतु हालात गांव से भी बदतर हैं, क्योंकि आए दिन विद्युत विभाग द्वारा अघोषित विद्युत कटौती से परेशान है। परवासियों ने मुख्य अधीक्षण अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भिलवाड़ा के नाम ज्ञापन लिखकर मांग की है कि हमारे क्षेत्र में विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते कई महीनों से अघोषित विद्युत कटौती रोजाना 4-5 घंटे की जा रही तथा कभी कभी तो हर घंटे आधे घंटे में विद्युत कटौती की जाती है, जिससे आमजन परेशान है। ज्ञापन देते समय संघर्ष सेवा समिति पुर के महासचिव योगेश सोनी, संगठन मंत्री रतनलाल आचार्य, सदस्य महावीर सैन, शरीफ मोहम्मद, श्यामलाल सैन, मनोज छीपा, राजू सैन, शंकर माली व गोपाल सैन सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भिलवाड़ा से पॉपुलर न्यूज के लिए ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट। की बिजली विद्युत कटौती की समस्या को लेकर हम एसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जहाँ एसी साहब अनुपस्थित है और उनके नीचे अधिशासी अभियंता जिनके साथ भी नहीं मिल पाए, उनकी इस वजह से हमने एसी साहब के पीए साहब को आज ज्ञापन दिया है। पूर्व में हमेशा 4-5 घंटे बिजली अघोषित कटौती की जा रही है, जिससे काफ़ी जनता परेशान है और जिसके लिए कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं और टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज की जा चुकी है। जब जब भी हम शिकायत करते हैं, हमें यह बताया गया कि 33 kV और 11 kV विद्युत फॉल्ट बताया जाता है सिक्योर द्वारा। तो जब बार बार 33 kV और 11 kV का ही फॉल्ट आता है, तो क्यों ना एवीएनएल के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या को स्थायी समाधान करें। इसके लिए हमने यादव साहब जेएन से भी बात की, लेकिन उन्होंने कोई संतुष्ट पर जवाब नहीं दिया। वो एक लापरवाह अधिकारी हैं, जिनकी वजह से कम साल भर से पुर के लोगों को इस समस्या से ये होना पड़ रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं, पुर की जनता की मांग है कि ऐसे अधिकारी को जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं, इनको हटाया जाए, लापरवाह अधिकारी को हटाया जाए तथा पुर की जो विद्युत समस्या है, जो बार बार कटौती की जा रही है, उसी समस्या से निजात दिलाई जाए और पुर की चंबल की टंकी के पास कम वोल्टेज और ज़्यादा वोल्टेज की भी समस्या बनी रह रही है, जिस वजह से पुर की चंबल की टंकी जो पानी सप्लाई करती है वो नहीं भरी जा रही है, जिससे पुर की सप्लाई भी बाधित हो रही पानी की। इसलिए हम आज ऐसे साहब को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध कर रहे हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर पुर की जनता संघर्ष सेवा समिति के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी एवीएनएल के अधिकारियों की होगी। मेरे संघर्ष सेवा समिति संगठन मंत्री पुर क्यों गया इसमें लाइट बार बार विद्युत कटौती होती है 4-5 घंटे पूर्व में। और दूसरी चीज है, श्रीराम कॉलोनी में हमारे कम वोल्टेज आते हैं, जहाँ पर चंबल की टंकी लगी हुई, तो कम वोल्टेज से टंकी नहीं भर पाती, पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती। दूसरी चीज ये है, हर बार जब भी हम पूछते हैं आज लाइट क्यों बंद हुई, तो ये बताया जाता है कि 33 kV और 11 kV खराब, कम से कम 6 महीने साल भर हो गए हम इस तरीके से। तो ये बहुत अति हो रही है, जब 33 kV और 11 kV खराब होते हैं तो उसका सही इलाज किया जाए ना। तो वहां जो अधिकारी लगा हुआ चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी है, वो इतना लापरवाह है, उसकी वजह से आज 6 महीने हो गए, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा उस समस्या का। एक साल भर होगी, एक साल भर नेट एक साल हो गया, काफी लंबे समय से वहां जमे हुए हैं और लापरवाह है, जवाब देने में भी असंतुष्ट पर जवाब देते हैं जनता को। तो ऐसे अधिकारी को भी हटाया जाए, कोई अच्छे अधिकारी को लगाया जाए वहाँ पे, और पूरी तो समझ जाएगी। अगर कम वोल्टेज के कारण डीपी के कारण आ रहा है तो डीपी लगाई जाए, जो जरूरत हो उस तरीके से हमारे को बिजली सप्लाई करवाई की जाए। रात को 12 बजे लाइट बंद हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, 2-2 घंटे धंधा परेशान हो जाते हैं, या फिर हमें धंधा को भी सड़क पर करना पड़ेगा अगर आप सुनवाई नहीं होती। हम हर समस्या से अपने एसी साहब को भी अवगत करवाते हैं, जिनके साहब को भी अवगत कराते हैं, हर बार व्हाट्सएप पर हर रोज डेली मेरे पास सब रिपोर्ट। इसलिए आप थोड़ा इस पर ध्यान देवे, ऐसे साथ मैंने फोन कर दिया उनको, फिर भी आप लोग ये ध्यान दे के इस परेशानी को मिटाए हमारी पूरी की जनता की, ठीक है ना सर। और फिर पूरी की जनता धरने पर उतरेगी, प्रदर्शन करेगी, जो भी कुछ करेगी उसकी जिम्मेदारी सब आप लोगों की हो, विद्युत विभाग के अधिकारी की हो, ठीक है ना सर। हाँ, और ऐसे अधिकारी को हटाया जाए, वो काफी टाइम हो गया इनको, इनके ऊपर वो घोटोते नहीं, ट्रांसफर होता रहे, यही है ना यादव हो गई, ठीक है ना, उनको ट्रांसफर करवाया जाए। वो जमे हुए केवल रिकवरी ध्यान देने में लगे हुए, जहाँ से वो आती है उनके इनकम आती है ना, उसके अंदर तो कोई इनकम है नहीं सर, कम से कम जनता को संतुष्ट तो करे। और साहब बिल भी खूब आ गया साहब, बिल भी परेशान हो गया, बिल भी परेशान है, आत्महत्या तक की रोक आ गई सर। 4600 रुपया 4633 रुपया कल जमा कराया मैंने, 4633 रुपया क्या मेरे क्या घर पे फैक्ट्री तोड़ चल रही है क्या?
नहीं तो सर किसको बोले हेलो कौन है?